This is the story of every Indian child. When parents become strangers, friends mannequins, and teachers a pack of wild animals. Equations twist and turn until they become a noose around your neck. You look up for an answer, a ray of light, a guiding hand. अनवांटेड वायरस कोरोना वायरस का सामना किया। सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों ने इस दौरान अपनी जाने गंवाई। भारतवर्ष भी इससे अछूता ना रह सका। वर्ष 2020 में इस वायरस ने भारतवर्ष पर एंटर किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी इस दौरान लॉकडाउन लगाना और इस लॉकडाउन से हजारों नौकरियां गईं, लोग बेरोजगार हुए, लोगों को सड़कों पर पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ा। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान जो है छात्रों का भी हुआ। इस दौरान उनकी पढ़ाई पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो गई। बोर्ड भी कुछ कर ना सका, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, इन्होंने भी अपनी परीक्षाएं लिए बगैर बच्चों को पास कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। तो 2020 में जिन्होंने भी मैट्रिकुलेशंस या फिर इंटरमीडिएट देना था तो उन्होंने बिना मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन बोर्ड ने आने वाले वक्त पे ऐसा ना हो, क्योंकि अंदेशा था कि ये कोरोना का पहला दौर, दूसरा दौर, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज ये आए, तो बोर्ड ने भी अपनी तैयारी पूरी की और पूरे के पूरे सिलेबस को उन्होंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद जो है उसने सोचा कि अगर हो सकता है कि किसी कारणवश जो है मैं एग्जाम ना ले पाऊं, तो इस वजह से उन्होंने सिलेबस को दो टर्म्स में, टर्म वन और टर्म टू में बांट दिया। तो टर्म वन और टर्म टू में बांटा, तो टर्म वन जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है, ठीक है, उसके एक पार्ट को उसने ऑब्जेक्टिव कर दिया और जो दूसरा पार्ट था वो थ्योरेटिकल हो गया। तो क्लास 11वीं के भी, 12वीं के भी, ठीक है, इसी तरह के दो टर्म में एग्जामिनेशंस होना है। तो क्लास 12th का ऑलरेडी ये दोनों टर्म के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं। क्लास 11th का पहला टर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे टर्म की तैयारी की बात है, तो दूसरे टर्म में क्या पूछा जाना है, टर्म टू में हम लोगों को क्या पूछा जाना है, इसकी सही सही जानकारी जो है वह हमें होनी चाहिए। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी आप अच्छे से एग्जामिनेशन को फेस नहीं कर सकते हो। और ये सच्चाई है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस दौरान जो है पढ़ाई में थोड़ी सी गिरावट आई है, लोगों में पढ़ने की टेंडेंसी भी घटी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने की वजह से जो है थ्योरेटिकल पार्ट को लोगों ने भुला दिया है, लिखने की प्रैक्टिस जो है उनकी रही नहीं है, तो समस्या आएगी। तो इन समस्याओं को देखते हुए झारखंड ने या झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है मॉडल सेट के रूप में जो है आपको उपलब्ध कराए हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जानना है इन मॉडल सेट्स को और इन मॉडल सेट को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बारी बारी से अलग अलग वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें, इसके बाद वाले वीडियो को भी जरूर देखें। अगर आप क्लास 11 के एग्जामिनी हो, आपको एग्जामिनर देना है, एग्जाम में अपियर होना है, तो आपको जरूर से ये वीडियोस देखना चाहिए, ये आपके फायदे के लिए। अब देखिए टर्म टू में क्या पूछा जाना है, ठीक है। तो टर्म टू के सिलेबस को तो
आधा है ही सिलेबस हमारा, है कि नहीं? लेकिन इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड कैसा होगा, आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे, इन सारी चीजों की जानकारी भी निहायत जरूरी है। तो टर्म टू के एग्जामिनेशन में जहां तक सवाल है फिजिक्स का, ठीक है, तो फिजिक्स या फिर जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सारे के सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो 70 मार्क्स के होते हैं थ्योरी, और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होते हैं, तो 11th में जो है प्रैक्टिकल्स तो होना नहीं है, ठीक है, वो आपको इंटरनल मार्क्स के रूप में मिलेगा। लेकिन ये जो फिजिक्स है, ये आपका थ्योरी पोर्शन जो है इसका कितना है, 70। टर्म वन में आपके एज ए ऑब्जेक्टिव जो है ऑलरेडी 35 मार्क्स का एग्जाम जो है आपने दे रखा है। अब बच गया 35 मार्क्स, उसी का एग्जामिनेशन जो है टर्म टू में होना है। तो यहां पे देखिए जो फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स आपका कितना है, 35, राइट। पहला जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वह वन मार्क्स होगा, वन मार्क के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनकी टोटल संख्या, टोटल नंबर जो है वह होगी 7। तो 7 क्वेश्चन जो है एक लाइन में आंसर वाले होंगे। तो आपको करना क्या है, ठीक है, इस 7 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है। यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें से आपको जो है सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, यहां पर के जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के। और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है? 5। यानी कि 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, यहां पर जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के होंगे। और ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपको 3 अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक की बात करें तो ये 5 मार्क्स, चूंकि साथ में आपको 5 करना है। 8 से 14 में, ठीक है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें भी आपको 5 ही करना है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स वाइज अगर हम लोग बात करें तो यहां से आपका हो गया 15 मार्क्स। और यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक जो होगा, इच क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के होंगे, इच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल जो है, ठीक है, वो 50 मार्क्स होंगे। तो टोटल अगर हम लोग मार्क्स के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा 35। आपको क्या प्रयास करना है कि 35 आउट ऑफ 35 कैसे लाए। आपका फोकस जो है पूरा का पूरा फुल मार्क्स जो है अचीव करने पर होना चाहिए। आइए हम लोग अब देखें कि ये मॉडल क्वेश्चन सेट्स जो है इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसका स्टेटमेंट लिखना है। पहला न्यूटन्स है ना, पहला जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है वह क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम लोग सेट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है इसका स्टेटमेंट क्या होगा। तो एक्चुअल में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं कि ग्रेविटेशन जो है वो है क्या, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मटेरियल बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। अगर कोई भी दो मटेरियल बॉडी है जिन किसी के पास भी मास है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन न्यूटन ने बताया कि उन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स कितना होगा, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग किसके अंडर जानते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के अंडर जो है हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट जो है वो क्या है। सिंपल सा है, इट स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मटेरियल बॉडीज ईच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स।
कहने का मतलब है कि अगर दो बॉडी, ये आपका बॉडी ए हो गया और यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये दूसरा बॉडी बी हो गया, ए का मास जो है एम वन है, दूसरे का मास एम टू है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह हमारा क्या है, आर है। तो सिंपल सी बात है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो स्टेटमेंट की बात है, आप जो है अगर पूरा का पूरा लाइन जो है अगर आपको मेमोराइज नहीं हो पाता है, आप बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखें, बस ये थीम चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, समटाइम्स आप प्रोडक्ट नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, ये भी आप लिख सकते हो, नीचे लिख देना दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हो सकता है ये याद ना आए, आप सिर्फ लिख देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू और एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन था स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ठीक है, यही है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू जो है ये क्या है, तो राइट ऑन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आपको जो है सेकेंड वन क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, स्मॉल जी और कैपिटल जी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो सबसे पहले जो है आपको ये किसको स्टैंड करता है यही आप लिख दे तो आपका एक पॉइंट बन जाएगा। तो इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्मॉल जी जो है स्टैंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहीं अगर कैपिटल जी की बात करें इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो कैपिटल जी स्टैंड कर रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। दूसरा जो है स्मॉल जी की जो वैल्यू है, ठीक है, वह कितनी होती है, तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट सी लेवल। जो सी लेवल है, ठीक है, इसपे स्मॉल जी का वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे इन डेप्थ जाते हैं वैसे भी स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज ही होगा, यानी कि मैक्सिमम जो है सी लेवल पर होता है और ये वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जहां तक सवाल है कैपिटल जी की वैल्यू का, तो कैपिटल जी का वैल्यू जो है वह कितना है, तो ये है 6.6734 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो वन मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ ये भी लिख देते हैं कि जी स्टैंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है सी लेवल पर, और कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो 6.6734 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ये भी सफिशियंट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, ये क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइप्स को लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है ये है हम लोगों का टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया,
ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोगों को स्ट्रेस के टाइप्स को लिखना है। तो दो टाइप्स होते हैं आमतौर पे अगर हम लोग बात करें, पहला जो है ठीक है ये हम लोगों का नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो आप सिर्फ ये दो पॉइंट को भी लिख दोगे कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो दो तरह का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप और थोड़ा डिटेल में जानना चाहो तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है ठीक है वह 3 तरह का होता है। पहला जो है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। पहले को क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। ये आपका टाइप है किसका? नॉर्मल स्ट्रेस का। दूसरा जो है इसको हम बोलते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। क्या बोला जाता है इसको? कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस जो है ये आप बोल सकते हो। और तीसरा जो है इसको बोला जाता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तीसरा जो है नॉर्मल स्ट्रेस का जो टाइप है इसको क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है ये हम लोग। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अगर आए एग्जामिनेशन में ठीक है आपको एटलीस्ट जो है 2 टाइप्स को जरूर लिख देना है। पहला है आपका नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। और डिटेल में अगर आप जाना चाहें तो नॉर्मल स्ट्रेस 3 तरह का, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा है दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस को भी हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो या फिर शेयरिंग स्ट्रेस, बोथ आर सेम थिंग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पूछता है व्हाई रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है व्हाई रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, राइट। तो सरफेस टेंशन जो है वो एक्चुअल में क्या है? तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो प्रत्येक लिक्विड की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्यूपाई करना चाहता है मिनिमम सरफेस एरिया, और चूंकि मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो एक स्फीयर का ही होता है, दैट्स व्हाई इसी सरफेस टेंशन की वजह से हम लोग देखते हैं कि जो रेनड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो व्हाई रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, तो रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पूछ रहा है डिफरेंस आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहां पे देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस जो है एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, यानी कि यहां पर टेम्परेचर जो है वह क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वह क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट मीन्स ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर एग्जीबिट होगा, ठीक है, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ऑकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अगर सपोज करिए वी हैव ए सिस्टम, ये वाला हो गया हम लोगों का सिस्टम, और इसके बाहर जो है ठीक है ये हम लोग देख रहे हैं सराउंडिंग्स। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है एक ऐसा प्रोसेस है इन विच देर इज नो एनी हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का कोई भी हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो इस तरह का प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस इन विच देर इज नो एनी हीट एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट अकर्स एट कॉन्स्टेंट
टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये डिफरेंस हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के बीच में। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये पूछता है गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज नॉट ऑसिलेटरी। एक पीरियोडिक मोशन जो है इसका एग्जांपल पूछता है जो कि ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, हम लोगों को पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल जो है ये बताना है विच इज नॉट ऑसिलेटरी, जो कि ऑसिलेटरी नहीं है। एग्जांपल क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो छठा का जो आंसर हो जाएगा ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है। ठीक है, कि पीरियोडिक होता है ना, तो आप जानते हो कि अगर सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी जो है इस तरह से घूम रहा है पीरियोडिक तो होगा ही। एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है वो अपना मोशन को रिपीट करेगा तो पीरियोडिक है, बट इट नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी दैट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन वाली होनी चाहिए टू एंड फ्रो मोशन। हालांकि हम लोग जो है थ्योरेटिकली बात करते हैं कि ये भी ऑसिलेटरी है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में अगर देखा जाए तो ये ऑसिलेटरी नहीं है, दिस इज ओनली पीरियोडिक। ठीक है, तो पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है ये क्या है, तो बोलता है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन जो है इसको हम लोगों को डिफाइन करना है। ट्रांसवर्स वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव मोशन का एग्जांपल जो है, ठीक है, वाटर वेव्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। ठीक है, पूछा है इसका डेफिनेशन। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, अगर मान लिया जाए कि एक सिंपल इस तरह से स्टील वाटर है, इस स्टील वाटर में अगर आप एक कंकड़ मारते हैं, कंकड़ अंदर चला गया, ठीक है, वेव जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है ट्रेवल कर रहा है। अगर एक कागज का बोट अगर आपको बनाने आता है अच्छी बात है, नहीं बनाने आता है, बनवाने जरूर आता होगा, किसी बच्चे को बोलेगा बना के देगा। ठीक है, आप उस बोर्ड को अगर आप यहां पे रखेंगे राइट, तो ये अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे जो है ऑसिलेट कर रहा है। तो यहां पे देखिए ये ऑसिलेशन हो रहा है अप एंड डाउन। जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन किधर है, अलोंग हॉरिजॉन्टल है, और मीडियम के पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं कैसे, 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव मोशन को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम, इफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, देन द वेव मोशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव मोशन। ध्यान से एक बार फिर से सुनिए, इफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम, इफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम इज अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, देन वेव मोशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो ये सेट 1 के पहले जो 7 क्वेश्चंस थे ये हमने देखा, आगे के क्वेश्चंस जो है, ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। Thank you for watching this video.